नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। एयरलाइन कंपनी में टिकट बुक करवाने से पहले सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को जरूर जान लें। सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनी एयर इंडिया ने हाल ही में अपने सभी यात्रियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट के लिए बुकिंग की प्रक्रिया 4 मई और 1 जून से खोल दी है। वहीं इसके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने बयान में कहा है कि वर्तमान में चल रहे वैश्विक अर्थव्यवस्था और चिंताओं की वजह से उन्होंने वर्तमान में चुनिंदा घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग 4 मई 2020 से सफर और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1 जून से सफर करने के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि एयरलाइन को सलाह दी जाती है कि इस बारे में सरकार द्वारा फैसला किए जाने के बाद ही वे अपने बुकिंग की सेवा शुरू करें। भारत ने अपने पड़ोसी देशों से सीधे FDI पर लगाई रोक। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगा दी है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार का यह फैसला कोरोना के बढ़ते असर के बीच घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए लिया गया है, जिसके तहत जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे कदम उठाए थे जिसका स्वागत राहुल गांधी ने किया था। वहीं भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जाने के बाद चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान से आए सामान के बाद भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकेंगे, जिसके साथ ही भारत में होने वाले किसी भी निवेश के लाभार्थियों को भी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर दिखाई सकती। कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका बार बार चीन को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि कोरोना का निजात मूल रूप से चीन में ही हुआ था, जिसने अभी पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर से सख्त लहजे में समझाते हुए यह कहा है कि अगर कोरोना के लिए चीन जिम्मेदार निकला तो उसे सख्त से सख्त परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना होगा। इससे पहले ट्रंप ने WHO और चीन की मिलीभगत होने की भी बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने WHO को जाने वाले फंड को भी रोकने का ऐलान जारी किया था। इतना ही नहीं, चीन को एक बार फिर से आगाह करते उन्होंने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना को रोकने की परिस्थिति में अभी फिलहाल अमेरिका नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हुआ कि चीन इसका भागीदारी निकला तो अब पूरी दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार रहे। सोमवार से लोगों को केरल में मिलने लगेगी छूट। कोरोना के बढ़ते असर के बीच अर्थव्यवस्था का सामान्य तौर पर चलाने के लिए सरकार ने सरकारी कार्यालयों के साथ कुछ चीजों में सोमवार से छूट देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत केरल में भी थोड़ी राहत दी जा सकती है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या वहां पर डबल डिजिट में नहीं आई है। इसी को देखते हुए राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने कुछ ढील देने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो सोमवार से 14 जिलों में से कम 7 जिलों में सामान्य स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे और ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक की स्थिति सामान्य बनी रहे, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसने केरल को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके तहत ही कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। डॉक्टर खेत्रपाल ने भारत में शुरुआती उपाय को माना लाभकारी। भारत में कोरोना के मामले कम हैं, क्योंकि यहां शुरुआत में ही सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बंद का ऐलान जारी किया था, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इसे धीरे धीरे हटाना चाहिए जब 6 मापदंड पूरे हो जाए, जिसमें कोरोना प्रसार का नियंत्रण होना, स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमताओं का पता लगाना, परीक्षण, आइसोलेट, मामलों का पता लगाना और संपर्कों को ट्रेस करना, निवारक उपाय को लागू करना, आयात का प्रबंधन करना और साथ ही समुदाय को पूरी तरह से शिक्षक और नए मानदंड को समायोजित करने के लिए सशक्त बनाना बेहद जरूरी है, जिसको देखकर देश की तुलना में भारत में बेहद ही समझदारी पूर्वक निभाया गया है और यही कारण है कि दूसरे देश के मुकाबले इतने दिनों में भारत में कम मामले देखने को मिले हैं। जून में जेईई मेंस की परीक्षा होने की संभावना जताई गई है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट की माने तो लॉकडाउन के बढ़ते असर पर एकेडमिक कैलेंडर पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस बात पर बात करते हुए रमेश पोखरियाल ने कहा कि शैक्षणिक सत्र में देरी होने की संभावना है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेजों के फिर से खुलने के बाद होगी और इसी के बाद नए बैच के एडमिशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें लगभग 1 महीना लग सकता है। वहीं जेईई मेंस की परीक्षा के आयोजन पर उन्होंने कहा कि जेईई मेंस परीक्षा के जून में आयोजित होने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगली तारीख को घोषणा करेगा कि पहले जेईई और नीट के तार्किक संचालन में शामिल परीक्षाओं, IIT और अन्य एजेंसियों के बोर्ड जैसी स्टेक होल्डर से परामर्श कर रहा है। वहीं जिन परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाना है उसके लिए HRD मंत्रालय ने UGC के तहत एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वहीं उन्होंने CBSE बोर्ड की परीक्षा में भी देरी का अनुमान लगाते हुए यह कहा है कि अगले बैच की बोर्ड की पढ़ाई भी देर से शुरू होगी। हालांकि स्थिति अभी कुछ भी कहने की नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा किसी भी खराब स्थिति के लिए भारत है तैयार। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शारीरिक दूरी और लॉकडाउन का मिश्रण ही कोरोना के खिलाफ एक उपयोगी सामाजिक टीका है, जो जब तक उपयोगी होगा तब तक इसका कोई इलाज विकसित नहीं हो जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम इससे भी बुरी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक भारत ने शानदार ढंग से इसके रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं और इसके परिणाम भी हमें मिले हैं। आगे भी हम तमाम तरह के कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। आपको बता दें, डॉक्टर
हर्षवर्धन ने उक्त बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक के तहत काम कर रहे 80 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान कही। एयर इंडिया का विशेष विमान चीन से 3 लाख रैपिड टेस्ट किट लेकर पहुंच रहा है भारत। कोरोना के बढ़ते असर के बीच चीन से एयर इंडिया के विशेष विमान से चीन के ग्वांगझू शहर से 3 लाख रैपिड टेस्ट किट्स को भारत के लिए रवाना किया गया है। खबरों की माने तो इस टेस्ट किट को फिलहाल तमिलनाडु और राजस्थान को दिया जाएगा, जिसके तहत बीजिंग में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने बताया कि भारत भी अन्य देशों की तरह कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद में जुटा है, इसलिए भारत को जांच के लिए और ज्यादा किट की आवश्यकता है और यही वजह है कि भारत के लिए चीन की तरफ से भारी संख्या में टेस्ट किट को भेजा गया है। वहीं भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके तहत भारत में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 15,000 से अधिक पहुंच चुकी है। वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच चुका है। कॉमेडियन एक्टर अरशद वारसी का आज है जन्मदिन। कॉमेडियन एक्टर अरशद वारसी का आज 52वां जन्मदिन है। अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1961 को मुंबई में हुआ था। वहीं अरशद वारसी के बॉलीवुड करियर की बात करें तो अरशद ने अपने फिल्म करियर में कई सफल फिल्म किए हैं, जिसमें से तेरे मेरे सपने, बेताबी, होगी प्यार की जीत, मुन्ना भाई, MBBS, जिसमें उन्हें अपार सफलता भी मिली है। वहीं अरशद को कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वहीं उनके आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो रोकड़ा, नमूने जीतेंगे हम, मुन्ना भाई 3 में एक बार फिर से काम करते नजर आ सकते हैं। केदार जाधव सलमान खान से ज्यादा बड़ा सुपरस्टार मानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। कोरोना के कारण क्रिकेट पर लगे रोकथाम के बाद सारे क्रिकेटर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आते हैं। इसी क्रम में हाल ही में केदार जाधव ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पसंदीदा विषय पर बात की, तो वहीं उन्होंने बताया कि सलमान खान और MS धोनी में उनका पसंदीदा सुपरस्टार कौन है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उनके पसंदीदा सुपरस्टार हमेशा MS धोनी ही रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मेरे लिए दोनों सुपरस्टार्स हैं, मेरे लिए दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। जितने भी क्रिकेट मैंने खेला है वो MS धोनी के कारण है, और लेकिन माही भाई के कारण ही मैं सलमान भाई से मिला, इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी वजह से माही भाई पहले नंबर पर आएंगे, उसके बाद सलमान भाई। सलमान खान और महेंद्र सिंह धोनी में से एक को चुनना, मतलब माता पिता के बीच में से एक को चुनना होगा। चिदंबरम ने सरकार से की गरीबों को मुफ्त खाना और नकदी देने की मांग। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने हाल ही में सरकार से गरीबों को मुफ्त में खाना और साथ ही साथ नकदी देने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक संवेदना है, अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त में पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। इससे काफी सबूत है, ज्यादातर लोगों के पास नकदी की कमी है और उन्हें मुफ्त में पका हुआ भोजन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। शून्य सरकार मूक बनी रहेगी या कुछ नहीं करेगी? सरकार उन्हें क्यों नहीं बचा रही है और हर गरीब परिवार को नकद रुपए देकर उनकी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? यह बात समझ से परे है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत द्वारा चीन के निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम आपके अनुसार कितने सही है, कितने नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।